हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो एक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सैमसंग रेफ्रिजरेटर के डोर साइड में लगे रैक्स को कैसे सही तरीके से ओपन किया जाता है। रैक्स के कारण हम फ्रिज के डोर साइड को सही से क्लीन नहीं कर पाते हैं, और जब आप रैक को ईजिली डिटैच कर लेते हैं तो आप फ्रिज के डोर साइड को अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, और मैं श्योर हूँ कि वीडियो को देखने के बाद आप फ्रिज के रैक्स को इजीली डिटैच कर पाएंगे और अपने रेफ्रिजरेटर को इजीली क्लीन कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए क्विकली करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं एक नए प्रोसेस के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगी है रैक, और रैक को निकालने का सही तरीका है कि आप दोनों साइड से इस रैक को धीरे से पुश करें और उसके बाद पुल करके आप इसे ईजिली डिटैच कर सकते हैं। उसके बाद इसे वापस से सेट करने के लिए आप कुछ इस तरह से फिक्स कर सकते हैं और ये इजीली फिक्स हो जाएगी। उसके बाद दो रैक और लगी है, उसे भी इसी तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। अपने फिंगर से आप पुश करें, पुल करके उसके बाद इजीली निकाल लें, फ्रिज को अच्छी तरह से क्लीन करें और वापस से इसे कुछ इस तरह से सेट कर दें। सभी रैक्स को सेम तरीके से ही बाहर निकालें और थोड़ा केयरफुल रहें कि आप ज़्यादा हार्ड इसे प्रेस ना करें, हल्का सा पुश करके या फिर पुल करके आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने फिंगर से इसे थोड़ा सा पुश किया है और फिर पुल करके बाहर निकाला है। इस तरह से आप सभी रैक्स को डिटैच कर सकते हैं, फ्रिज को अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं और हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि फ्रिज के रैक्स को कैसे डिटैच किया जाता है, और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए प्रोसेस के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।